हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शॉर्टकट सिलेक्शन। फ्रेंड्स, आई एम शिवम शर्मा। प्रीवियसली आई वाज इन IDBI बैंक, नाउ सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस SBI क्लर्क प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020। प्लीज़, दिस इज़ नॉट द प्रमोशनल वीडियो। आई टू हैव गिवन दिस एग्ज़ाम। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में एंग्जाइटी है दैट प्रीलिम्स कट ऑफ क्या रहेगी। दैट्स वाई मैं एक प्रेडिक्शन कट ऑफ आपके लिए लेके आ रहा हूँ थ्रू दिस वीडियो। वी विल गो स्टेट वाइज। मध्य प्रदेश की लास्ट ईयर कट ऑफ 73.5 थी एंड वैकेंसीज थी 420 एंड इस बार वैकेंसीज हैं 510। सो इट कैन लाई बिटवीन 70 to 73 फॉर मध्य प्रदेश। नाउ राजस्थान। राजस्थान की लास्ट ईयर कट ऑफ थी 71। उस टाइम वैकेंसीज थी 600 एंड इस बार हैं 500। सो इट कैन लाई बिटवीन 70 to 75 फॉर राजस्थान। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की लास्ट ईयर 72.25 थी बट वैकेंसीज लास्ट ईयर 1197 थी एंड इस बार 865 है। इट्स द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्टेट। अगर हम कॉम्पिटिशन की बात करें, यहाँ पर कॉम्पिटिशन एकदम बढ़ भी जाता है। सो इस बार हम अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 73 to 76 उत्तर प्रदेश के रहने के चांसेस हैं। हिमाचल। लास्ट ईयर 71.75 थी एंड वैकेंसीज वर 132 एंड इस बार वैकेंसीज 185। सो हिमाचल का भी अप्रॉक्स 70 to 72 रहने के चांसेस हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। वेस्ट बंगाल। लास्ट ईयर 73.25 थी एंड वैकेंसीज थी 565 एंड इस बार 612 वैकेंसीज हैं, इंक्रीज है। सो इट कैन लाई बिटवीन 69 to 73। नाउ महाराष्ट्र। 62.25 लास्ट ईयर थी, 780 वैकेंसीज थी उस टाइम एंड इस बार 865 वैकेंसीज हैं। सो यू कैन से दैट 60 to 63 फॉर महाराष्ट्र। हरियाणा। हरियाणा का हमने डाउनफॉल देखा यहाँ वैकेंसी में। लास्ट ईयर 75.25 थी 152 वैकेंसीज पे, इस बार 97 वैकेंसीज हैं। सो वी कैन से अराउंड 73 to 77 फॉर हरियाणा, इतना रेंज रहने के चांसेस हैं। दिल्ली। 71.25, 437 वैकेंसीज थी बट इस बार रिड्यूस हुआ है 143 वैकेंसीज दिल्ली में है। सो दिल्ली का आप कह सकते हैं कि अराउंड 72 to 77 रहने के चांसेस हैं। बिहार। बिहार की लास्ट ईयर 76.25 थी बट वैकेंसीज थी 115 एंड इस बार 230, जस्ट डबल। सो बिहार का वी कैन से लाइक 73 to 75 इतना रहने के चांसेस हैं। पंजाब। 76.25 लास्ट ईयर का टॉप थी, वैकेंसी थी 337 एंड इस बार वैकेंसी है 150, हाफ से भी कम हो गया है ये। एंड लास्ट ईयर 76.25 थी, इस बार वी कैन से लाइक 75 to 79 फॉर पंजाब। छत्तीसगढ़। लास्ट ईयर 57.5 एंड वैकेंसीज वर 230 एंड दिस ईयर वैकेंसी आर 190। सो वी कैन से लाइक नॉट मोर देन 60 फॉर छत्तीसगढ़, मैक्सिमम 61 फॉर जनरल कैटेगरी। गुजरात। 65.5 वैकेंसी थी, वो 65.5 कट ऑफ थी एंड 410 वर वैकेंसी एंड इस बार 550 वैकेंसी। सो फॉर गुजरात आई कैन से दैट 59 to 64 फॉर गुजरात फॉर श्योर। उत्तराखंड। 75.25 कट ऑफ थी, 184 वैकेंसी थी एंड इस बार वैकेंसी है 250। सो वी कैन से फॉर उत्तराखंड दैट इट मस्ट लाई बिटवीन 71 to 73 फॉर उत्तराखंड। तमिलनाडु। 61.25 लास्ट ईयर वैकेंसी वर 421 एंड दिस ईयर 393। सो ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। सो इट कैन लाई बिटवीन 60 to 63 फॉर तमिलनाडु। आंध्रा। 74.75 थी कट ऑफ एंड दिस ईयर
vacancy is 150, last year 253. So we can say for Andhra that it must lie between 74 to 76. Jharkhand, 75 cutoff thi last year, 235 vacancies pe, and is bar vacancies are just 45. And ab iska ek factor aur ho sakta hai ki Jharkhand ke kuch bacche, कुछ एस्पिरेंट अदर स्टेट्स में गए हों, डेफिनेटली हो सकता है बिकॉज उन्होंने भी वैकेंसीज देखी होंगी. सो हो सकता है कि ज़्यादा उस पर असर ना पड़े, बट वी कैन से 1-2 मास का असर डेफिनेटली पड़ेगा बिकॉज वैकेंसी ड्रेस्टिकली रिड्यूस हैं उस जगह पे झारखंड में. सो वी कैन से दैट 77 to 78 फॉर झारखंड. मेघालय 66.75, वैकेंसीज वर 25 एंड दिस टाइम 31. So it can lie between 66 to 68 for Meghalaya. Assam, 57 was cut off, 300 were vacancies, and this year 182. So we can say that 55 to 62 for Assam, not more than 62. Telangana, 68.5 last year, 425 vacancies, and this year 375. Decrement of 50 vacancies, so we can say that for Telangana it must lie between 67 to 71. Karnataka, last year 48.500 vacancies and this year 475 vacancy, so decrement of 25 vacancy, so we can say that it must lie between 48 to 51 for Karnataka. Kerala, last year 78 cut off, 247 vacancy, this year 394. So definitely जो cut off होगा वो reduce होगा थोड़ा सा, and we can say that 75 to 78 for Kerala. Odisha, 73.5 and vacancies were 350, this year increment of 75 vacancy, 425. So we can say that 69 to 73 for Odisha. Thanks for watching. Please kindly subscribe and share if you like the video. I have also predicted the expected date of mains exam. You can also watch that, and I have uploaded videos on GA, and you can subscribe the channel from April. You can watch it also, and in description box I am giving my WhatsApp group link, and you can get add to that also, in which I conduct quizzes of GA. So thanks for watching. Please kindly subscribe and share.